सोल्टेड पीनट्स आपने कभी ना कभी खाए तो जरूर होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि सिंपल से दिखने वाली चीज को बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है? आपको लगता होगा कि मूंगफली में नमक मिला दिया और हो गया तैयार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और मेहनत तो इतनी कि आप चौंक जाएंगे। तो अगर आपने कभी सोल्टेड पीनट्स या सिंगदाना बनते हुए नहीं देखा है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। तो अभी हमें सूरत की सबसे बड़ी सिंगदाना फैक्ट्री में और यहाँ पर सोल्टेड पीनट बनाने के लिए सबसे पहले देखिए मूंगफली की बोरी ले ली है और उसमें से मूंगफली डाली जा रही है इस ड्रम शेप की मशीन के अंदर। और इधर आप देख सकते हैं अपना गर्म पानी से भरा हुआ ड्रम रखा है जिसमें से बाल्टी से ये गर्म पानी लिया जा रहा है और इस मशीन के अंदर मूंगफली में डाला जा रहा है। और उसके बाद ये जो अपना ड्रम है जिसमें मूंगफली और गर्म पानी है, इसको बंद किया जा रहा है। इसको देखिए बिल्कुल सील कर दिया गया है और उसके बाद मोटर स्टार्ट किया है तो ये ड्रम अपना घूम रहा है जिससे कि इस गर्म पानी के अंदर ये मूंगफली अपनी धुली भी जाएंगी और ये हल्की हल्की पक भी जाएंगी। कोई 10 मिनट मूंगफली को इस मशीन में घुमाने के बाद देखिए मशीन को रोका गया है और अब इसके अंदर से पानी निकल रहा है और पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल काला पानी निकल रहा है। तो जो भी मूंगफली के अंदर गंदगी मिट्टी धूल रही होगी वो सब यहाँ पर मूंगफली से अलग हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मशीन को खोला गया है और आप देख सकते हैं मूंगफली के सारे दाने कितने साफ हो चुके हैं। अब इनमें डाला जाएगा नमक और नमक भी आप देखिए बहुत सारा डाला है। इसको हाथ से हल्का सा मिलाया है और मशीन को फिर से बंद कर दिया है। अब इस मशीन को यहाँ पर फिर से घुमाया जाएगा जिससे कि ये नमक इन सारे मूंगफली के दानों के अंदर यूनिफॉर्मली अपना मिल सके। अब देखिए मशीन को खोला गया है और जो नमक मिले हुए मूंगफली के दाने हैं वो इसमें से बाहर निकाले जा रहे हैं जिन्हें बाहर निकाल के दूसरे टब के अंदर खाली किया जा रहा है। इसी तरीके से इस ड्रम के अंदर से सारे अपने मूंगफली के दाने बाहर निकाले जाएंगे और उन्हें यहाँ पर टब्स के अंदर इकट्ठा कर लिया जाएगा। तो ये देखिए ढेर सारे अपने मूंगफली के दाने रखे हैं। अब यहाँ से टब लिए जाएंगे और इन्हें डाला जाएगा भट्टी के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये मूंगफली के दाने अपने भट्टी के अंदर डाले जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ही गर्म रेत के अंदर इन्हें फिर से पकाया जाएगा। आप याद करिए एक बार इन्हें गर्म पानी के अंदर पहले ही पकाया जा चुका है, यहाँ पर इस बिल्कुल खोलते हुए उबलते हुए रेत के अंदर पकेंगे। ये रेत आप देख लीजिए इस तरीके से उबल रहा है जैसे पानी हो। तो आप खुद इमेजिन कीजिए कितना टेम्परेचर होगा इस रेत का जिसके अंदर ये पक रहे हैं। और आप इन मजदूरों का सोचिए जो इतने हाई टेम्परेचर में इस भट्टी के पास खड़े होकर काम कर रहे हैं। टाइम से काम कर रहे हैं सुबह आप 3 बजे से, और अभी दिन में किस टाइम तक काम चलेगा? 2 बजे तक। तो गाइस देखिए 11 घंटे लगातार इतनी गर्मी और ह्यूमिडिटी में ये मजदूर काम करते हैं और रेत आप देख सकते हैं अभी भी अपना उबल रहा है। और इस उबलते हुए रेत के अंदर ही हाथ डाल के देखिए दाने इन्होंने निकाले हैं, उन्हें चेक किया जा रहा है कि तैयार हुए हैं या नहीं। अभी नहीं हुए हैं तो इसलिए अभी और इन्हें पकाया जाएगा इसी उबलते हुए रेत के अंदर। तो थोड़ी देर इन्हें और पकाया गया है और अब देखिए मशीन बंद कर दी गई है, लेकिन आप रेत को देखिए किस तरीके से उबल रहा है। पानी आपने उबलते हुए देखा होगा लेकिन मिट्टी इस तरीके से उबलते हुए ये आपको केवल और केवल यही मिलेगी। तो अभी देखिए इस उबलते हुए रेत में से मूंगफली के दानों को बाहर निकाला जा रहा है और जो दाने बाहर आ रहे हैं उनके अंदर भी रेत उबल रहा है। अब इन गर्मा गर्म मूंगफली के दानों को लिया जा रहा है छलनी पर जहाँ से रेत नीचे भट्टी में निकल जाएगा और ये मूंगफली के दाने अपने अलग इकट्ठे कर लिए जाएंगे। अब यहाँ से इन्हें लेकर बाहर आया जाएगा जहाँ पर इन मूंगफली के दानों को एक बोरी के अंदर भरा जाएगा और उस बोरी को देखिए बहुत जोर जोर से हिलाया जाएगा जिससे कि इनके अंदर जितना भी रेत लगा हुआ है वो सारा इनमें से निकल जाए। उसके बाद फिर से इन मूंगफली के दानों को एक टब के अंदर खाली कर लिया जाएगा। इस टब को भी लिया जाएगा और झटका जाएगा कि अगर कुछ रह गया हो वो यहाँ पे निकल जाए। उसके बाद इन्हें यहाँ से लेकर जाया जाएगा शॉप पर और वहाँ पर सेल कर दिया जाएगा। तो गाइस ये जो सिंगदाना बनाने का काम है बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है और जो इनका टेस्ट है वो टेस्ट आपको मार्केट में किधर नहीं मिलेगा। तो टेस्ट भी लाजवाब है, मेहनत बेहिसाब इनकी है ही। मुझे प्रोसेस बहुत पसंद आया, इनका सिंगदाना बहुत पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री। फ्री बेबी डिलीवरी हो सकता है 9727899409।